The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is ALT? SGPT, right? SGPT and a serum glutamic pyruvate transaminase. SGPT या ALT alanine transaminase, ये टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट का और ये एक एंजाइम है जो लिवर के अंदर पाया जाता है और जब भी लिवर के सेल डैमेज होते हैं तो ALT आपके खून में ज़्यादा आएगा क्योंकि लिवर डैमेज हो रहा है, ब्लड में आएगा। अब ALT टेस्ट जो है वो मेजर करता है आपका ALT लेवल्स ब्लड में, लिवर में नहीं, ब्लड के अंदर। तो ब्लड में जितना ज़्यादा ALT होगा उतना ज़्यादा लिवर डैमेज ये असेस कर सकते हैं, राइट? इवन अगर कोई साइन नहीं आ रहा, जैसे जॉन्डिस नहीं आया आपको, लेकिन अगर ALT हाई है तो हो सकता है कि लिवर डैमेज है, क्योंकि जॉन्डिस दिखने के लिए बहुत सारा बिलिरुबिन चाहिए खून में और ALT थोड़ा हाई होने के लिए माइनर लिवर डैमेज भी होता है तो ALT हाई होता है। एक्यूट लिवर डैमेज जब होता है जैसे हेपेटाइटिस ए, तो बहुत सारा ALT यानी हजारों में, यानी 1000 गुना ज़्यादा ALT आ जाता है। तो इतना ज़्यादा ALT का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूट लिवर डैमेज हो रहा है। जब एक्यूट होता है तो एक्यूट रिकवरी भी हो जाती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ALT बहुत हाई है तो लिवर को ख़राब हो गया, नहीं। एक्यूट में बहुत हाई जाता है लेकिन वापस भी आ सकता है आसानी से, मतलब जल्दी ट्रीटमेंट से, लेकिन नहीं ट्रीटमेंट मिला तो यस, परमानेंट डैमेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। सो रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स। सो ALT इज हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ लिवर डिजीज, वेरी सिंपल। और ALT को इस्तेमाल भी उसी लिए करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में और लिवर डैमेज पकड़ने के लिए। अगर आपको नौजिया है, वॉमिटिंग है, आपको पेट में दर्द है, आपको भूख नहीं लगती, आपको इचिंग होती है, खुजलियाँ होती है, कमज़ोरी लगती है, जॉन्डिस है, तो आपको अपना ALT टेस्ट यानी लिवर फंक्शन टेस्ट में ALT कराना चाहिए। और ALT और किन किन लोगों में हाई हो सकता है, लिवर जिनका मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम में लिवर डैमेज आ रहा है लेकिन आपको लिवर डैमेज का रिस्क, लिवर डिजीज का रिस्क हाई होगा, क्यों होगा, किन किन को हाई होगा? ऑब्वियसली जिसको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फैमिली में लिवर डिजीज चलती है, लिवर की बीमारी है हर एक को है, जो हैवी ड्रिंक करते हैं, जिनको हेपेटाइटिस का एक्सपोजर हो गया, हेपेटाइटिस है, जो मोटे हैं, ओबेस हैं, जो डायबिटिक हैं, राइट, और जो बहुत रेगुलरली कोई पेन किलर या कोई इस प्रकार की मेडिसिन लेते हैं जिनसे लिवर डैमेज हो सकता है। सो ये सारे लोगों को ALT टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए, चाहे उनको सिम्टम्स है या नहीं है, ALT रेगुलरली कराना चाहिए। कितना रेगुलरली ये आपके पर्टिकुलर डॉक्टर बताएंगे, 3 महीने में या साल भर में एक बार, तो कम से कम साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। ऑब्वियसली ALT में आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट आपके जाएगा, रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है, राइट? लिवर फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेज, एंजाइम्स, जो हमने बताया आपको ऑलरेडी। सो आपका ALT रिजल्ट्स को बाकी के लिवर फंक्शन टेस्ट से कंपेयर किया जाता है और तब एक इंटरप्रिटेशन आता है बाकी साइन एंड सिम्टम्स से लेके, तब इंडिकेशंस, इंटरफ्रेंस लिया जाता है, इंप्रेशन लिया जाता है कि ये लिवर डैमेज है तो क्यों है। ऑब्वियसली लिवर डैमेज हेपेटाइटिस से है, इन्फेक्शन से है, सिरोसिस से है, लिवर और कोई एब्सेस है, लिवर कैंसर है, तो ये ही तो मेन चीज़ है पता करनी। सो बाकी सारे टेस्टों से पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है और उसका लेवल आगे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, से पता चलेगा कि आपकी ट्रीटमेंट काम कर रही है क्या नहीं। इवन मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स उससे पता चलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट SGPT ALT टेस्ट। आई होप यू लाइक्ड इट।